अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस हमारी मॉर्निंग हो गई है, हमारा नाश्ता पानी भी सब कुछ हो चुका है। चलिए हम आपको अपने बच्चों से मिलाते हैं। हैरान बाबू कैसे हो, सब ठीक है ना, कुशल मंगल? अरे माँ, अरे काटने थोड़ी ना दिया था तुमको। अरे माँ, अरे ये मेरा बच्चा, अरे हाथ काटने नहीं दिया था मेरा बेटा तुमको, मैंने हाथ काटने नहीं दिया था। हाँ लो अपना हाथ काटा। बच्चे बहुत छाने रहते हैं गाइस, अपना हाथ नहीं काटेंगे। थोड़ा सा मेरे कान में दुख रहा था गाइस, तो मैंने अपना खोपरे का तेल डाल के अभी काम पे जाने का ना, मैं लेटा हुआ था थोड़े देर, तो बोला भाई काम पे आने का निकल जाएगा, तो मैंने कापूस लगा लिया कान में। और क्या बोलते शालो, सब मजे में? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड लोग, कैसे हो आप? क्या हुआ? उम्मीद है आप सब कैसे होंगे। तो आज खुला शुरू करते आप लोगों का वेलकम मेरे सालिया शेख व्लॉग में। हाँ। नहीं सॉरी सॉरी, सालिया यासिन फातिमा आरान यासिन। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, कितने दिन के बाद ये डायलॉग बोली मैंने। हाँ। और तो हम लोग का नाश्ता वगैरह सब करके हो गए, बस बच्चे लोग को नाश्ता करोगे फिर मैं घर का काम कर लूंगी। आज जुम्मा है आप लोग, बहुत बहुत जुम्मा। अरे हाँ यार, और गाइस आज जुम्मा है तो आप लोगों को हमारी तरफ से, फैमिली वाले की तरफ से जुम्मा मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़ बाबू, जा रहे हैं अबू काम पे। यहाँ पे देखो मेरी वीडियो कन्वर्टिंग चालू है। अभी हमारे सामने वाले जो गटर था ना, तो उसका हाल इस तरीके से। और आज ना अपन चलते हैं माड़ा से, माड़ा से ना अपन जाएंगे और आप लोगों को थोड़ा सी वहाँ का भी नज़ारा दिखाएंगे, कैसे बिल्डिंग का काम चल रहा है ना, तो गटर का लाइन वगैरह सब कैसे बन रही है, कैसे रोड जाम है, पूरी ट्रैफिक हो जाती है। तो ये देखो यहाँ की पतली पतली गली से निकलते हैं। क्या कर रहे हैं, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। वो मुझे समझ में आया मेरा कान क्यों दुख रहा था। दरअसल मुझे सर्दी हो गई ना, तो इसी वजह से डॉक्टर बोलते हैं जब नाक जाम रहेगी ना तो कान दुखता है, और कान दुख रहा था तो मैं ज़बरदस्ती ना बड्स कर रहा था, तो इसी वजह से शायद और दुख रहा था, इसी पार्ट लग गए मेरी। तो इसलिए हम पहुँच गए माना। अरे क्या बोलते हो बाप भाई, माशाल्लाह। तो देखिए गाइस हमारे उबाब भाई मिल गए हम लोग। क्या कर रहे हैं भाई तुम, माशाल्लाह एक नंबर। क्या बात है, इधर ही एक नंबर। तो हमारे यहाँ पे उबाब भाई ने क्या बोलते अपना टावर, हाँ एक नंबर, ग्रीन बिल्डिंग के पास में। चलो सही है। और ये हमारे सलमान भाई, क्या बोलते सलमान भाई, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो उबाब भाई ने यहाँ पर वॉशिंग सेंटर चालू कर दिया है, एक नंबर। इधर पे जितने भी गाड़ी धुलाने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत आसानी हो गई है। चलो कैमरे में खाली आप ही देख रहे क्या, और लोग देख रहे? नहीं अभी यूट्यूब पे जाएगा तो पूरी पब्लिक देख। हाँ छोड़ो यूट्यूब पे, बोले ये माड़ा स्टैंड पार्किंग है, यहाँ पे अपने इधर पे सर्विस सेंटर खुले ला, इधर पे वॉशिंग सेंटर यहाँ पे एक नंबर। जस्ट ग्रीनी बिल्डिंग, ग्रीनी बिल्डिंग है, ये अल्फाला स्कूल है, अल्फाला स्कूल है माड़ा, ठीक है। आओ यहाँ पे कभी भी धुलने के लिए, 50 रुपया है शैम्पू। हाँ। और सादा वॉश 30 रुपया। अच्छा ठीक है, चलेगा। चलो अल्लाह हाफिज, बाय बाय एवरीवन। चलो चलते हैं यहाँ से अपन काम पे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अहमद भाई खैरियत? माशा क्या बना रहे? बस वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बाबू? दिल्ली बिल्डिंग, महादेव बिल्डिंग और जय घोष बिल्डिंग, और ये देखो पुलिस क्वार्टर है। तो बस अपन पहुँचने ही वाले हैं। तो फाइनली गाइस मैं पहुँच गया हूँ साइट पे, और जैसे कि आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा मेरा ऊपर का पूरा काम कंप्लीट हो गया था, तो अपना सामान वगैरह लेके मैं नीचे आ गया हूँ। और ये नीचे की देखो ये वाली सीलिंग है और वो बाथरूम की सीलिंग है दोनों, ठीक है। तो इसको अपन घसाई करेंगे, फिर उसके बाद सांदा वगैरह भर के ऑयल पेंट मारेंगे, फिर उसके बाद में उधर पर भी पूरी सीलिंग है, तो वहाँ पर जाऊँगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, ठीक है। चलिए ये अपन घसाई कर लेते हैं फटाफट, बहुत घसाई है भैया। देखो 12 बजने वाले हैं और अभी तक मैं अपना घसाई ही भराई कर रहा हूँ। कलर मारने जितना टाइम ही लगता है ना उतना टाइम घसाई भराई में लगता है। ये किनारे किनारे भी ज़्यादा जंगल है बस, और काफ़ी तरीके का नहीं है। फाइनली गाइस मेरा ऑयल पेंट मार के हो गया दोनों बाथरूम में, सिर्फ ये वाला बाकी, और देखो ये भी हो गया। और अभी हो गई है जुमा की अजान, चलिए चलते हैं घर पे। तो मैं आ गया घर पे। है क्या है? हाँ हेलो माशाल्लाह गाइस, नहाते मतलब धोते और चलते हैं जुमा की नमाज पढ़ने। अरे माँ मेरी, एकदम वेरी गुड माशाल्लाह। Oh,
अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस आ गया मैं जुमा की नमाज पढ़ के, तो चलिए फटाफट खाना खाते हैं। और तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस मेरा खाना ना सब खा के हो गया। गाइस मेरा यहाँ पर ना ऑयल पेंट का काम जो भी था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। और मैं ना अभी यहाँ पर अपना किचन में ये जो सीलिंग है ना वो घसाई करके भराई करने आया था, लेकिन अब्बा का फ़ोन आ गया, मुझे बोले भाई अगर दूसरी साइड पर थोड़ा अर्जेंट काम है, तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर यहाँ पर कल काम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं नई वाली साइड पे। तो कहाँ फ़ोन करके बुलाए हैं? राजपुताना 8 नंबर। तो वहीं मैं जा रहा हूँ, देखो ये वाले रास्ते पे जा रहा हूँ। तो फाइनली गाइस मैं पहुँच गया हूँ जहाँ पर अब्बा ने मुझे बुलाए हैं। और क्या बोलते हैं मेरे भाई लोग, कैसे हो सलमान भाई? माशाल्लाह तुम तो फुल एकदम भयंकर वाला काम कर रहे हैं यार। हाँ माशाल्लाह। और क्या बोलते अल्ताफ भाई? ओ गाइस सब मजे में, ये मेरे भाई आ गए। और क्या बोलते अब्बा? हाँ देखो ना काम चालू है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पर मुझे क्या करने बुलाया भाई? बस इनको माल दे दो बराबर। अरे एक नंबर, माल बना बना के देने का, देखे माल बना बना के देने का है, तो इसी वजह से यहाँ पर बुलाया है। मुझे लगा कि ग्रीन ग्रीन मारने लगा है, कुछ छोटा मोटा काम देंगे। यहाँ पर देखो मारो मारो भाई, पानी पिलाओ एक दमा, दीवार एक नंबर होनी चाहिए। देखो क्या करूँ, लाओ। हाँ हाँ लाओ, एक हाथ से देखे गाइस क्या भयंकर वाला कैच किया। तो चलिए यहाँ पर ना मुझे ना इन लोग दोनों को माल बना बना के देने का है। तो गाइस ना आते साथ ही यहाँ पर देखो हम लोगों को चाय मिल गई है। चाय यहाँ पर कप में नहीं, चाय की प्याली हो। तो गाइस हमने चाय भी पी ली है। और यहाँ पर देखिए हमारे अल्ताफ भाई माल मिक्सिंग कर रहे हैं। एक नंबर हमारे वहाँ मेरी भाई, ऐसा लगता है गिरू हाँ यहाँ पर मैं, खतरनाक वाला। ए बेटा मैं क्या सुन रहा हूँ, बोलो ना क्या क्या हुआ वहाँ पे। वहाँ पर ये निकल रही है अपनी चाय मस्त केटली में। ओ गाइस ये देखिए छोटू भाई कैसे मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। आइए गाइस आइए, जरा जरम पे जा रहे हैं। हालत खराब हो गई, हालत खराब हो गई भाई की, मगर भाई को बेगारी का ही पैसा मिलेगा। गाइस ये देखो असल बेगारी मैं ही हूँ। यहाँ पर सलमान भाई ने एकदम प्यार से बिठाया मेरे को और मेरे सर पे घमेला रखवा लिए। मैंने कहा ये जो ऊपर नीचे का ऊपर चढ़ा ऊपर उतार काम है ना, इसमें ना हमारे पैर जवाब दे डालते, पता है कम से कम मेरा तीसरे तीन से चार नहीं ज़्यादा, पाँच से छः राउंड हो गया है। लाओ भाई। तो मेरी हालत ख़राब हो गई है भाई। मुठिया चलो भाई। क्या हो गया ये कौन सा? वही जल्दी जल्दी करना। अच्छा, था ना मेरे को। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ वो हाथ में घबघब घबघब चलना चाहिए। अरे वाह मेरी। तो गाइस हमारा ना यहाँ पर पूरा प्लास्टर का काम हो गया, और ये जो वो गिरा जो था ना इसके ऊपर प्लास्टिक के ऊपर पूरा भी निकाल रहे हैं अल्ताफ भाई। ये वाला काम बहुत भारी पड़ता है, कलर का एक बार पड़वड़ जाता है, लेकिन ये काम ना एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। इसमें गंदगी भी बहुत मतलब निकलती है, और जब माल ऊपर नीचे चढ़ाने का रहता है ना उसको बहुत भारी पड़ता है। और इसके साथ साथ में पूरा आजू बाजू का जितना एरिया है ना सब गंदा हो जाता है। अभी तो पूरी अपनों को ऊपर की सीढ़ी वीढ़ी ये पूरी सीढ़ी साफ साफ करना पड़ेगा। और यहाँ पे ए सी लग रही है एक नंबर। तो फाइनली गाइस हम लोग का यहाँ पर जो भी प्लास्टर वगैरह ना सब हो गया, बस अभी देखो हमारे देखो भाई एक नंबर हमारे अल्ताफ भाई दोनों लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस मैं नहा धोके एकदम मस्त फ्रेश हो गया। और देखिए ये वाली टोपी पहना हूं मैं, ये वाली टोपी में मैं कैसा लगता हूं? फातिमा क्या कर रहे बेटा तुम? खेल रहे थे? क्या खेल रहे थे, किससे खेल रहे थे बताओ मुझे जरा। हाँ कैसा खेल रहे थे? हाँ जुट्टी अब बताओ मैं, तुम क्या कर रहे थे? ये जो है ना ये इसका ये निकलता है ना वो खा रहे थे, समझे? तुम खेल नहीं रहे थे। हाँ ये खा रहे थे, खाने नहीं होता ये सब, खाने होता है। हाँ नहीं अभी खाएंगे क्या हो जाता है ऐसा? अभी खाएंगे नहीं ना, पक्का नहीं खाएंगे ना। सॉरी बोलो ये ले ली, बोलो सॉरी अब्बू माफ कर दो, बोलो अब्बू माफ कर दो, बोलो जल्दी। हाँ जाओ माफ किया तुमको। और राम बाबू कैसे हो? मैं भी चलवा के। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बच्चा, क्या बात है भाई चलता है। मेरे हम लोग का नाश्ता वगैरह सब करके हो गया, बस छोटा मोटा काम है घर का कर लेती।
तो गाइस आज सौलियान है, बोल रहे मैं खाना नहीं बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाएंगे? आज मेरी शॉर्ट पार्टी दे रहे। अरे पार्टी दे रहे, बाल्टी दे दो, तुम्हारे घर में कलर की बाल्टी चाहिए ना। तो कहाँ बना रहे तुम, मैं लेकर आ जाता हूँ, है ना? तो सालन वगैरह जो भी रहेगा मैं लेकर आता हूँ। ये तो अच्छा है कि सैंपल स्कूल के बाजू में ना एकदम मस्त सालन वाला खुल गया है, तो वहीं से मैं लेकर आता हूँ। तो देखिए सौलियान ने दोपहर में जो कपड़े धोए थे ना, पूरा रस्सी पे टंगा दिए हैं। और कल पानी मिला था एकदम मस्त, माशाल्लाह। तो पानी मिला था एकदम भरपूर, ड्रम पूरा भर गया, ड्रम तो भर गया लेकिन टाकी नहीं भरी है, और टाकी तो पूरी खाली हो गई समझ लो। और अभी ईशा की अजान भी हो गई गाइस, तो मैं जाऊँगा ईशा की नमाज़ पढ़ कर आऊँगा, फिर उसके बाद में चलते हैं 7 नंबर सालन लेकर आते। क्या बोलते हैं अपना 16 तारीख है, हमें 21 तारीख को निकलने का। तो पैकिंग वगैरह जो भी रहेगा तुम धीरे धीरे करते रहना, ठीक है? बच्चे लोगों के कपड़े कैसे अभी ना, हम लोगों ना सौलिया को ना अंदाज़ा नहीं मिल रहा है, क्योंकि आने वाले कपड़े और नहीं आने आने वाले कपड़े दोनों मिक्स है। तो फ्री रहोगे तो ज़रा छाट लो। नहीं मैंने 2-3 ऐसा निकाली मैंने। हाँ फातिमा की 3 फ्रॉक निकाली, 3 ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। ज़्यादा नहीं, 3 महीने भर के नहीं जा रहे, 2-3 दिन के लिए जा रहे। 3 फ्रॉक लूँगी, 4-5 साढ़े ड्रेस ले लूँगी उसकी। हाँ चलिए, और आराम के तो लड़के हैं तो उसको टेंशन नहीं उसका। हाँ चलिए, क्यों टेंशन नहीं है? और कुछ भी नहीं है ना हाथों में, मैं क्या बोलते अपना अंगूठी जमती है मुझे ना, हाथ में घड़ी जमती है। पहले पहनता था लेकिन कैसा पहनता था बताए, मैं तो हटो ना यार बात, कहीं जाता हूँ ना मैं तब पहनता हूँ। अंधेरा क्यों आ रहा है यार, मेरे को अच्छे से दिखाने का। हाँ तो कहीं जाता हूँ ना तब पहनता हूँ, लेकिन अभी ऐसा नॉर्मली घर में पहन के रहता घड़ी या अंगूठी वगैरह पहन के रहता हूँ ना, तो मेरे को ना पता नहीं उलझन होती है एकदम कि बस कब निकालूँ, अड़चन दे रहते। तो मैं निकाल लेता हूँ, पहनता नहीं हूँ कुछ भी, तो सिर्फ मेरे बदन पे सिर्फ एक टोपी मिलेगी और कुर्ता पजामा बस, और हाथ में कुछ तो ना बहुत उलझन होती है यार, बहुत बहुत सही में, इसलिए मैं कुछ पहनता नहीं हूँ। अरे भाई तो पहनना पड़ेगा ना, इतनी भी उलझन नहीं होती है जो कुर्ता। अरे वाह साले मेरी फिल्म बना रहे हैं, माशाल्लाह क्या बात है। और गाइस मैं आप लोगों एक चीज़ और शेयर करता हूँ, और मैं क्या बोलता हूँ गोंडी इश्तमा में गया था ना, तो मैंने फातिमा के लिए ना स्कार्फ लेकर आया था, ये देखो ये वाला स्कार्फ लेकर आया था, माशाल्लाह बहुत प्यारा स्कार्फ है, ये मुझे 60 रुपये में दिए हैं। तो सालेहा पहना रहे हैं फातिमा को स्कार्फ, अरे माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है स्कार्फ में यार, कहाँ फूल की तरह फूल दिखा दो, ये देखो ये फूल और ये भी फूल, मेरे पास दो दो फूल है माशाल्लाह, हटो ऐसा, वेरी गुड। मेरा बच्चा कितना अच्छा लग रहा है स्कार्फ में। हाँ अभी अरहान के लिए इंशाल्लाह अभी 7 नंबर जाऊँगा ना, तो बच्चे लोग की छोटी टोपी मिलती है ना वो लेकर आऊँगा, है ना? और बहुत से लोग मतलब कमेंट में मुझे पूछ रहे थे कि अरहान की खतना कब करेंगे, और अरहान के बाल वगैरह का भी पूछ रहे थे, तो अरहान की खतना इंशाल्लाह जब वो चलने लग जाएगा ना अच्छी तरीके से तब कराएंगे, क्योंकि अभी बहुत बहुत सताता है गाइस सही में, उसको ना पकड़ के एक आदमी बैठ ही नहीं सकता, इधर उधर चलता रहता है। हाँ तब टेंशन नहीं रहेगा ना, ऐसा बोलते हैं यार, मालूम नहीं अभी देखो क्या होता है, चलने लगेगा तो और भी तकलीफ देगा मुझे तो ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी अभी बाद में कराएंगे, अभी नहीं करवाएंगे। और बाल तो इंशाल्लाह ठंडी के बाद ही हम लोग कटाएंगे, अभी ना उसका बाल ना सेटिंग करने का वो ट्रिमर से ना आज मतलब जो बड़े बड़े बाल हो गए ना वो सब सेटिंग कर लेंगे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? इधर आओ, मम्मा दिख जाएंगे पीछे से। अरे वाह खड़े हो गए, अरे माशाल्लाह क्या बात है, आसान हो गई। चलो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ईशा की नमाज़ पढ़कर आ गए हैं, गली में अंधेरा है दिख नहीं रहा, अब दिखे। हाँ अब दिखा ना, तो हम लोग जा रहे हैं अभी 7 नंबर सालन लेने के लिए, मैं अकेले जा रहा था। कौन सी वो जो बड़े माशाल्लाह क्या जात यकता, क्या आवाज है माशाल्लाह सुभान है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी 7 नंबर सालन लेने के लिए, मैं अकेले जा रहा था, लेकिन अकेले मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो आमिर भाई दिख गए, बोला भाई चलो थोड़ा कंपनी दे दो मेरे को, पढ़ाई में ध्यान कम दे, नमाज पढ़ो, इनकी वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो और अरे माशाल्लाह क्या नाम है भाई तुम्हारा, नाम क्या है? जयान। अरे क्या बात है भाई, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, ठीक है चलो चलते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं शॉप पे, भाई क्या क्या है, क्या क्या है? अरे तो अच्छा तो ये बताओ क्या क्या है, चिकन अफगानी है, चना बोटी है, भेजा आलू को, चिकन अफगानी है। अरे
चना बोटी भाई मेरा फेवरेट है, मेरे को एक नंबर लगता है। अरे माशाल्लाह भेजा है, क्या बात है, पालक गोश्त, क्या बात है, क्या बात है, पालक गोश्त माशाल्लाह, एक पालक गोश्त दे दो, अरे एक नंबर, एक पालक गोश्त नाम डालो यासीन से, एक ब्लॉग अपनी दुकान का नाम भी आएगा मालूम है, पालक गोश्त दे दो, फिर सब पब्लिक आएगी, अरे भेजा दे दो, माशाल्लाह बड़े वही तो बोला बोला शर्मा, क्या है भाई, एक पालक गोश्त दे दो भाई और एक ये दे दो, ठीक है, चना बोटी, चना नंबर भाई दिल खुश हो गया। आपकी दुकान है ना, फिर मोहम्मद रेस्टोरेंट से खाने का ना, तो क्या बात है, बस ना भाई इतना बड़ा कंपनी के साथ में आने से यही फायदा है कि सामने वाला जब रहता है ना साथ में, तो एनर्जी बढ़ती है, हिम्मत बढ़ती है बोलने की, अगर अकेला आता ना तो इतना नहीं बोल पाता मैं और कुछ भी नहीं कर पाता, चले गए अबे भाई अपना लेडीज लोग है, चले आने दे अगली बार आएंगे, सोच रहे थे 20 वाले सेल में जाएं कुछ लेने के लिए, लेकिन अभी अब पूरे लेडीज का बॉयज एकदम हाईलाइट हो गए, तो इसीलिए अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे इंशाल्लाह, जब खाली रहेगा ना तब जाके दिखाऊंगा। ये पालक गोश है और ये दाल गोश, ये अपना वट चना बोटी है। तो चलिए गाइस अभी हम लोग बैठेंगे थोड़ी देर से खाना खाने के लिए, तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो।